जी एंड हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी लोग। तो आज मैं कहता हूँ कि मैं गर्व से किसी मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ और उस मूवी का नाम होने वाला है यहाँ पर 12th Fail। हालांकि ये मूवी हमारी 2023 को दिवाली पर रिलीज हो चुकी थी, पर ये मूवी अब ट्रेंड में आ गई है और ये बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा चुकी है। और ये मूवी कोई मूवी नहीं बल्कि एक रियल घटना पर आधारित है। अब बात करी जाए यहाँ पर इस मूवी को कौन डायरेक्ट कर रहे हैं, तो इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर हमारे विदु विनोद चोपड़ा सर। तो यहाँ पर इस मूवी के डायरेक्ट ने इस मूवी की थीम रखी है रीस्टार्ट, मतलब कि आप हार मान चुके हो पर आपको हिम्मत नहीं तोड़नी चाहिए जब तक आप अपने लक्ष्य को पूरी तरीके से कायम ना कर ले। तो अब बात करी जाएगी इस मूवी में कौन कौन शामिल है। तो इस मूवी में हमारे बड़े बड़े एक्टर और एक्ट्रेस शामिल है। तो इस मूवी में हमारे विक्रांत मैसी, मेघा शंकर और आनंद जोशी जैसे बड़े बड़े एक्टर और एक्ट्रेस शामिल है। तो इस मूवी में हमारे कुछ स्पेशल गेस्ट भी शामिल है, जैसे कि दिव्या कृति विकास सर जो कि IAS की तैयारी करवाते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं बिना किसी देरी की इस मूवी के पूरे रिव्यू के बारे में। तो ये कहानी हमारी शुरू होती है सर 1947 में, चंबल वही डाकू वाला शहर और उसके एक छोटे से गांव से बिल गांव से। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम लोग देख सकते हैं कि विक्रांत मैसी यहाँ पर अपनी छत पर बैठे होते हैं, जिनका उस मूवी में नाम होता है मनोज कुमार शर्मा, और वो अपनी 12th पास करने के लिए चिट्स बना रहे होते हैं। तो उसी टाइम एक आदमी मनोज के फादर का सस्पेंशन लेटर लेकर आ चुका होता है। तो मनोज के पापा यहाँ पर उसको लेने से साफ इनकार कर देते हैं। तो दादी उसको अपने पास बुलाती है कि लाओ मुझे दे दो। फिर दादी यहाँ पर मनोज के बड़े भाई को बोलती है कि कमलेश निकाल दुनाली और इसके ऊपर चला दे। अब कुछ लोगों को यहाँ पर दुनाली का मतलब नहीं पता होगा, तो मैं बता देता हूँ। तो दुनाली का मतलब होता है कि गन, जिसको हमारी यूपी में कट्टा बोलते हैं। अब हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर मनोज के फादर का सस्पेंशन लेटर आ चुका होता है और उनकी नौकरी जा चुकी होती है। तो मनोज यहाँ पर अपनी मम्मी को बोलते हैं कि मम्मी मेरे को 12th पास हो जान दो, मेरे को चपरासी की नौकरी जरूर मिल जाएगी। अब यहाँ पर मनोज की 12th की परीक्षा हो रही होती है बोर्ड की, और वहाँ पर नया DSP आने के चक्कर में वहाँ पर परीक्षा रद्द हो जाती है और सब बच्चे फेल हो जाते हैं और उसमें हमारे मनोज भी होते हैं। अब मनोज के फादर यहाँ पर घर छोड़ के जा रहे होते हैं घुसखोरों के खिलाफ लड़ने के लिए दिल्ली। अब मनोज और मनोज का भाई कमलेश यहाँ पर रात में आते हैं और अपनी मम्मी के हाथ में 30 रुपए देते हैं। मम्मी बोलती है कि ये पैसे कहाँ पर आए, तो वो बोलते हैं कि हमने एक जुगाड़ लगाया है। अब यहाँ पर मनोज अपनी दादी के पास खुशी से जाता है और कमलेश बताता है कि मैं ड्राइवर हूँ और ये मेरा कंडक्टर है। और मनोज यहाँ पर बताता है अपनी दादी को कि बस हमें इतना ही बोलना है कि फूल पे बैठा भोरा अगला गाँव है जोरा। अब एक दिन मनोज और मनोज का भाई कमलेश एक दिन जा रहे होते हैं अपने जुगाड़ को लेकर सवारी छोड़ने के लिए। तो वहां पर प्रधान जी की गाड़ी खड़ी होती है, तो ड्राइवर को बोलता है कि मैं अपनी सवारी को यहाँ से नहीं उतारूंगा। तो कमलेश यहाँ पर अपने सरपंच जी के आदमी पर हाथ उठा देता है। फिर आगे हम लोग देख सकते हैं कि कमलेश और मनोज को दोनों जेल में बंद हो चुके होते हैं। तो पुलिस वाला कमलेश को पीटता है और कहता है तुम्हारा बाप भी चोर था, तुम भी चोर हो। तो वो मनोज यहाँ पर कहता है हमारे बाप को चोर मत बोलना वरना तुम्हारा दुनाली से सर उड़ा दूंगा। तो यहाँ पर पुलिस वाला कहता है जा लिया दुनाली, या तो तू रहेगा या तो मैं। और मनोज यहाँ पर अपनी होशियारी दिखाते हुए सीधा चला जाता है DSP के घर में, और DSP वहां पर नहीं उठ रहा होता, कहता है तुम कल सुबह आना। और DSP को जब वो मनोज चिल्ला चिल्ला कर बोलता है कि तुम्हारे भाई जब मर जाएगा तब आओगे तुम। फिर DSP अपने घर से बाहर निकलता है और मनोज को कहता है बताओ पूरी बात। फिर DSP और मनोज जाते हैं सीधा पुलिस स्टेशन। फिर जो DSP होता है वो कमलेश को बाहर निकाल देता है और कह देता है जाओ तुम घर। और फिर जब DSP अपने घर लौट रहा होता है तो मनोज और कमलेश दोनों पैदल घर जा रहे होते हैं। तो DSP यहाँ पर मनोज को कहता है कि आओ बैठो मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। फिर यहाँ पर मनोज DSP को जब DSP घर जा रहा होता है तो DSP से बोलता है कि सर मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ। तो दुष्यंत सर जो होते हैं वो उसे यही कहते हैं कि तुम्हें चीटिंग छोड़नी होगी। अब मनोज अपनी लगन से पढ़ने लग जाता है और अगले साल DSP चेंज हो जाता है, तो भरपूर चीटिंग होती है स्कूल में। पर मनोज कहता है कि मैं चीटिंग नहीं करूंगा, मैं अपने दम पर पास होकर दिखाऊंगा। और मनोज यहाँ पर फिर अपनी BA पास कर लेते हैं। अब एक दिन मनोज की दादी मनोज को अपने कमरे में बुलाती है और कहती है कि जाओ तुम एक बड़े DSP अफसर ही बनकर आना, तुम्हें पुलिस की वर्दी में देखकर तुम्हारे दादाजी जरूर खुश होंगे। अब मनोज यहाँ पर डिसाइड करता है कि मैं एक बड़ा DSP बनूंगा। और मनोज यहाँ पर ग्वालियर जा रहा होता है तो कमलेश उसका बड़ा भाई उसको एक बुक देता है, कहता है कि तुम रास्ते में ही पढ़ने लग जाना। फिर मनोज जिस बस में बैठता है उस बस में एक औरत मिलती है, वो भी ग्वालियर जा रही होती है, पर वो बीच में ही उतर जाती है और मनोज का सारा सामान चुरा लेती है। अब यहाँ पर मनोज कुछ दिनों तक ग्वालियर में भूखा प्यासा भटकता रहता है और वो एक दिन एक रेस्टोरेंट में जाता है और वहाँ पर कहता है कि साहब मैं आपके लिए कुछ भी काम कर दूंगा, आप मुझे खाने के लिए दे दीजिए। तो यहाँ पर रेस्टोरेंट का मालिक मनोज को खाने के लिए दे देता है और वहाँ पर उनको एक मुलाकात होती है आनंद जोशी से, जो कि उनका नाम होता है उस मूवी में अनुराग। अब यहाँ पर मनोज खाना खा लेता है और कहता है रेस्टोरेंट के मालिक से कि आप मैं आपके लिए कुछ भी काम कर दूंगा। तो वो कहता है तुम एक स्टूडेंट हो, मैं तुमसे पैसे नहीं लूंगा, जब तुम पे पैसे हो तुम तब दे देना। वहाँ पर अनुराग चिल्लाकर बोलता है कि मैं दे दूंगा तुम्हारे पैसे, तुम टेंशन मत लो। तो यहाँ पर मनोज बोलते हैं कि कौन हो भाई तुम। यहाँ पर अनुराग बोलता है कि तुम्हारा अकेले का DSP का सिलेक्शन कैंसिल नहीं हुआ है, हमारा भी हुआ है। तो यहाँ पर मनोज चला जाता है अनुराग के पास,
कि अब हम क्या करेंगे। फिर मनोज बताता है उसको अपनी पूरी कहानी कि मैं अपनी दादी के पेंशन के पैसे लेकर आया था पूरे साल के। यहाँ पर अनुराग दिल्ली जा रहा होता है और मनोज के पास जाकर कहता है कि तुम अब क्या करोगे। तो अनुराग यहाँ पर बताता है कि अब मैं यूपीएससी की तैयारी करूंगा। तो मनोज यहाँ पर कहते हैं कि यूपीएससी क्या होता है, तो वो ये बताते हैं कि यूनियन पब्लिक सर्विस कॉर्पोरेशन, और वो डीएसपी से भी बड़ा होता है आईपीएस और आईएएस। मनोज यहाँ पर कहते हैं कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, पर वो कुछ देर तक तो अनुराग सोचता है कि इसे लेकर जाऊं या नहीं, पर अनुराग सच्चे दिल का होता है तो वो उसे लेकर चला जाता है। तेरे को आईपीएस नहीं पता? आईपीएस बाप होता है डीएसपी का। मैं भी बनूंगा आईपीएस। साले मजे ले रहा है, आने के पैसे है नहीं, आईपीएस बनेगा। हाँ बनूंगा। सारे स्टूडेंट है भैया, कैसे हो पाए। यहाँ पर मनोज कुमार शर्मा और अनुराग पाठक दोनों पहुंच जाते हैं दिल्ली के मुखर्जी नगर पर यूपीएससी की तैयारी करने के लिए, पर दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। तो वहाँ पर एक लड़का होता है टूटो नाम का, वो दोनों को ले जाता है अनुराग भैया के पास और वो बताता है कि ये सब बच्चों की हेल्प करते हैं बिना किसी पैसे के। तो यहाँ पर जब अनुराग से वो मिलते हैं तो अनुराग बताता है कि यूपीएससी की तैयारी एक सांप सीढ़ी की तरह है, अगर तुम कर लो तो बहुत अच्छा, नहीं करो तो बहुत बुरा है। तो अनुराग भैया यहाँ पर बताते हैं कि मैंने भी अपना मेरा सातवां अटेम्प्ट चल रहा है और मैंने अपना दुनिया का बेस्ट इंटरव्यू देकर आ चुका हूँ, अब देखते हैं कि मेरा सिलेक्शन होता है कि नहीं। अब यहाँ पर गौरी भैया का यूपीएससी का इंटरव्यू का रिजल्ट आ चुका होता है और उनका सिलेक्शन नहीं होता क्योंकि उस साल का टॉपर होता है दीप मोहन। अब यहाँ पर सभी लोग बेहद ही बहुत ज्यादा दुखी होते हैं। अब यहाँ पर गौरी भैया को देखकर सब लोग बहुत दुखी हो रहे होते हैं, पर गौरी भैया यहाँ पर दुखी नहीं होते। वो डिसाइड करते हैं कि अब मैं फ्री में पढ़ाऊंगा सभी लोगों को, और वो कहते हैं कि मेरा अटेम्प्ट कैंसिल हुआ है, अगर तुम में से कोई भी बना मुझे उतनी ही खुशी होगी। अब यहाँ पर मनोज बहुत मेहनत करते हैं और वो लाइब्रेरी में काम करते हैं और वॉशरूम के टॉयलेट को साफ करते हैं ताकि वो कुछ पैसे कमा सकें। अब यहाँ पर मनोज कुमार शर्मा अपने यूपीएससी का पहला अटेम्प्ट देने जा रहे होते हैं, पर वो बुरी तरीके से फेल हो जाते हैं और यहाँ पर गौरी भैया उनके पास भाग कर आते हैं, कहते हैं कि तुम रीस्टार्ट करो। अब यहाँ पर मनोज अपना दूसरा अटेम्प्ट भी देता है पर वो फिर से बुरी तरीके से फेल हो जाता है। अब यहाँ पर मनोज अपने यूपीएससी के थर्ड अटेम्प्ट में प्रीलिम्स को निकाल लेते हैं और यहाँ पर गौरी भैया बहुत ही खुश होते हैं और कहते हैं हो गया ना रीस्टार्ट, अब तुम बहुत मेहनत करो और अपना मेंस भी निकाल लेना। अब यहाँ पर मनोज कुमार शर्मा अपने यूपीएससी की तैयारी के लिए क्लासेस ढूंढ रहे होते हैं तो वो पहुंच जाते हैं R2Z में और वो वहाँ पर पैसे कम होने के चक्कर में वो मैडम से कहते हैं कि मैं तुम्हारे यहाँ पर कुछ भी काम कर लूंगा। तो फिर मैडम वहाँ पर उनको भेज देती है, कहती है जाके सी से साफ करो क्योंकि वहाँ पर कुछ लोग आ चुके होते हैं। अब यहाँ पर मैडम मनोज कुमार शर्मा को फोटो टांगने के लिए कहती है तो मनोज कुमार शर्मा दीप मोहन सर की फोटो देखते हैं और उन्हें बताते हैं कि यहाँ से नहीं पढ़े, पर वो कहती है उनके पास आकर जो ये लोग तम्बाकू खाते हैं क्या वो रियल होती है या नहीं। फिर वो बताती है कि हमने उन इस काम के लिए 1.5 लाख रुपए दिए हैं, जिस दिन तुम भी यूपीएससी करोगे तो तुम भी क्लियर करोगे तो हम तुम्हें भी 1.5 लाख जरूर देंगे। अब वहाँ पर एक लड़की आई होती है जिसका नाम होता है श्रद्धा जोशी और वो उनकी सारी बातें सुन लेती है और उनके फादर बोलते हैं कि दीप मोहन सर का आप एविडेंस दिखाइए कि वो यहीं से पढ़े हैं, पर वो बोलती है कि यहाँ पर पर्सनल कॉन्टेक्ट नहीं दिखा सकते, तो वो यहाँ से उठकर चले जाते हैं और यहाँ पर मनोज कुमार शर्मा श्रद्धा जोशी के पास भाग कर जाते हैं और कहते हैं कि हमें दूसरा ट्यूशन मिल जाएगा। अब यहाँ पर मनोज कुमार शर्मा बताते हैं श्रद्धा को कि मैं यहीं पर विद्या वाचनालय में काम करता हूँ। अब एक दिन श्रद्धा जोशी यहाँ पर पहुंच जाती है लाइब्रेरी में, यहाँ पर मनोज एक बुक पढ़ रहा होता है साइंटिस्ट की, तो श्रद्धा यहाँ पर बोलती है कि तुमने ये भी बिना कोचिंग के ही निकाल लिया। पर अब जो लाइब्रेरी का मालिक होता है वो मनोज को चिल्लाकर बोलता है कि तुम्हें मैं यहाँ पर बैठने के पैसे नहीं देता, जाके जल्दी से काम करो। फिर श्रद्धा यहाँ पर मनोज से बोलती है कि तुम यहाँ पर काम करते हो, तो यहाँ पर मनोज बताता है कि हाँ मैं यहाँ पर पैसों के लिए काम करता हूँ। श्रद्धा और मनोज को एक कोचिंग मिल जाती है जहाँ पर विकास सर पढ़ाते हैं और वो वहाँ पर यूपीएससी की तैयारी भी करवाते हैं। अब यहाँ पर विकास सर एक दिन सब बच्चों का टेस्ट लेते हैं और उनको टेस्ट में देते हैं टेररिज्म इन इंडिया, तो यहाँ पर मनोज कुमार शर्मा का बेस्ट होता है और वो अपने पास मनोज को बुलाते हैं और उसे 2 चॉकलेट देते हैं। और जब मनोज अपनी सीट में जाके बैठ जाता है तो वो श्रद्धा जोशी को दोनों की 2 चॉकलेट दे देता है। दिन दिवाली आ चुकी होती है, श्रद्धा और मनोज दोनों साथ में बैठे होते हैं, मनोज उठ के चला जाता है एक बुक पढ़ने के लिए जो कि एपीजे अब्दुल कलाम की होती है, पर मनोज उसको पैसे के चलते नहीं ले पाता। श्रद्धा जोशी उसको निराश हताशा से देखती है पर वो कुछ नहीं कहती, पर फिर वो कुछ देर बाद मनोज से पूछता है कि मैं तुम्हारे लिए चाय लेके आता हूँ। फिर वहां पर श्रद्धा कुछ देर बाद आती है, फिर वो उसके लिए एक बुक लेके आती है जो कि वही बुक होती है जो वो मनोज पढ़ रहा होता है, उस बुक को देखकर बेहद ही खुश होता है। अब यहाँ पर दिवाली के अगले दिन विकास सर पढ़ा रहे होते हैं रॉकेट के बारे में और यहाँ पर श्रद्धा और मनोज दोनों डिस्कस कर रहे होते हैं, पर श्रद्धा उठकर बोलती है विकास सर से कि सर ये साइंटिस्ट हैं। तो विकास सर यहाँ पर बोलते हैं कि मनोज मैं तो जहां तक तुम्हें जानता हूँ कि तुमने बीए से हिस्ट्री ऑनर्स करा है, तो मनोज कहता है सर कोई कंफ्यूजन हो गई है। तो यहाँ पर श्रद्धा बहुत नाराज हो जाती है। अब एक दिन लाइब्रेरी का मालिक मनोज को बुलाता है और कहता है कि तुमने रद्दी का माल बेचा है और तुम मेरे को बस 4,600 रुपए दे रहे हो जो कि 6,300 रुपए में जानी चाहिए। तो मनोज बताता है कि मैंने कुछ भी घपला नहीं करा है। तो
यहाँ पर लाइब्रेरी का मालिक मनोज के पापा को उल्टा सीधा बोलने लग जाता है कि ये हराम की औलाद है। तो मनोज कुमार शर्मा यहाँ पर उसको उठाकर चप्पल मार देते हैं अपने फादर की तरह, जैसे उन्होंने अपने घुसखोर चौहान को मारी थी। कहते हैं कि हमारे फादर को कुछ भी मत बोलना, और वो वहां से उसको छोड़कर चला जाता है। और फिर मनोज कुमार शर्मा चला जाता है दिल्ली से बहुत आगे, और फिर वो वहां पर एक चक्की में काम कर रहा होता है, जो कि वो वहीं पर ही पड़ता है और वहीं पर ही रहता है। अब यहाँ पर एक दिन अनुराग पाठक पहुंचता है मनोज के पास, और वो वहां पर काम कर रहा होता है, और मनोज को जाकर सीधा बोलता है कि जाकर श्रद्धा से मिल लो, वो अपने मसूरी जा रही है अपने प्रीलिम्स के लिए। अब यहाँ पर मनोज बोलता है कि मैं अब श्रद्धा से अपने मेंस के पेपर के बाद ही मिलूंगा, और वो मेंस का पेपर देते हुए बहुत तेजी से लिख रहे होते हैं। और फिर जब पेपर हो जाता है तो वो बोलते हैं अपने दोस्त से कि अब मेरे को सीधा वो इंटरव्यू के लिए कॉल कर देंगे, पर वो फिर उसे बोलता है कि मेरे पास जाना माना टॉपिक आ गया, जो कि मैंने अपनी क्लास में बहुत अच्छे से करा था, टेररिज्म इन इंडिया। फिर वो एक लड़का उस पेपर को देखता है, वो उससे कहता है कि ये टूरिज्म इन इंडिया है, हो गया तुम्हारा सिलेक्शन, अब रहने दो तुम। अब यहाँ पर मनोज चले जाते हैं सीधा मसूरी श्रद्धा के घर पर, और श्रद्धा वहां पर नहीं होती क्योंकि श्रद्धा किसी रिलेटिव के शादी में गई होती है। और वहां पर उनका माली उनको फोन करके कहता है कि तुम्हारा फ्रेंड आया है दिल्ली से। फिर श्रद्धा उससे बात करती है, फिर मनोज उससे कहता है कि मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ और वो रह गया। तो श्रद्धा पूछती है क्यों, क्या हो गया? तो वो बताता है कि मैंने टेररिज्म इंडिया की जगह टूरिज्म इंडिया करना था। और फिर वो बोलती है कि कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ट्राई करना। और फिर यहाँ पर मनोज श्रद्धा से कहता है कि श्रद्धा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, अगर तुम मुझे बोल दो आई लव यू तो मैं दुनिया पलट दूंगा। और फिर वो श्रद्धा वहां पर बहुत ज्यादा ही कंफ्यूज हो जाती है, पर वो उसे कुछ नहीं बोलती और उसे सीधा कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। और फिर मनोज यहाँ से सीधा चला जाता है अपने गाँव बिल गाँव। मनोज जब अपने गाँव पहुंचता है तो उसकी बहन मिलती है, और वो मनोज अपनी दादी के बारे में पूछता है, और वो बताती है कि दादी अब नहीं रही। तो यहाँ पर मनोज बहुत ज्यादा ही दुखी हो जाता है, और वो बताती है कि अम्मा अभी गई है अपनी गैया को चराने के लिए। अब यहाँ पर मनोज की मम्मी आ जाती है और कहती है कि तुम यहाँ पर कैसे? तो वो बताते हैं कि मैं अपना मेंस का पेपर नहीं क्लियर कर पाया और मैं इस वजह से आ गया। तो मनोज की मम्मी कहती है जब तुम अगली बार आओगे तो तुम सच में डीएसपी बनकर आओगे ना? तो यहाँ पर मनोज बहुत ज्यादा ही इमोशनल हो जाते हैं। अब यहाँ पर मनोज फिर से दिल्ली चला जाता है और वो उसी लगन से पढ़ने लग जाता है। फिर एक दिन मनोज के पापा आ जाते हैं मनोज के पास, कहते हैं कि तुम ये कहाँ पर रह रहे हो, चलो तुम घर, अब हम यहाँ पर लड़ लड़ के थक गए हैं। और मनोज के पापा यहाँ पर बहुत ज्यादा ही इमोशनल हो जाते हैं। फिर मनोज उन्हें कहते हैं कि पापा आप लड़िए, मैं आपके साथ हूँ। यहाँ पर मनोज और अनुराग दोनों साथ में पढ़ रहे होते हैं, और वहां पर श्रद्धा आ जाती है। और वहां पर क्लास खत्म होने के बाद जब अनुराग श्रद्धा को नीचे मिलता है तो अनुराग बताता है कि जाओ मनोज ऊपर है, उससे जाकर ऊपर ही मिल लो। तो वहां पर श्रद्धा जाकर मनोज से मिलती है और कहती है मैं उस दिन तुम जल्दी में निकल गए क्योंकि मैंने वहां पर एक मिनट बाद दोबारा फोन करा था, पर तुम वहां से जा चुके थे। तो यहाँ पर मनोज कहता है कि अब मुझे सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करना है, अब मैं तुम्हें अपने प्रीलिम्स के बाद मिलता हूँ। अब यहाँ पर मनोज का प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है। फिर श्रद्धा मनोज के पास जाती है मनोज के घर पर। फिर श्रद्धा उसको देखती है कि तुम यहाँ पर आटा चक्की का काम कर रहे हो। तो यहाँ पर मनोज बताता है कि मैं यहाँ पर पार्ट टाइम काम कर लेता हूँ और यहाँ पर पढ़ भी लेता हूँ। तो यहाँ पर श्रद्धा बताती है कि अगर तुम्हें पैसों की जरूरत है तो तुम मुझसे ले लो, पर यहाँ पर मनोज उसको लेने से साफ इनकार कर देता है और कहता है कि मेरे हालात तुम्हारी तरह नहीं है और मेरे पे बहुत सारी मजबूरियां हैं। और यहाँ पर मनोज बताता है कि एपीजे अब्दुल कलाम फिर भी लाइट लैंप के नीचे पढ़ा करते थे, मेरे पे तो अपना खुद का बल्ब है। अब यहाँ पर मनोज का फिर से यूपीएससी का मेंस रह जाता है और इस बार उसके दोस्त का क्लियर हो जाता है जिसका नाम होता है नवल। और इस बार रात में 2 बजे तक अपने रीस्टार्ट पॉइंट में श्रद्धा और मनोज दोनों बैठे रहते हैं और वहां पर अनुराग आता है अपने दोस्त नवल के साथ और वो वहां पर पार्टी देने के लिए आया होता है। कहता है कि मेरा मेंस क्लियर हो गया है, पर गौरी भैया उसे कहते हैं कि ये पार्टी वार्टी तुम अपने फाइनल सिलेक्शन के बाद ही देते तो अच्छा होता। तो वहां पर अनुराग बताता है कि भैया नवल का तो क्लियर हो जाएगा। तो अनुराग यहाँ पर भैया को बोलता है कि भैया पूछो क्यों, और यहाँ पर अनुराग बताता है कि नवल के पास कोई डिस्ट्रैक्ट करने के लिए नहीं है और यहाँ पर मनोज को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उसके पास श्रद्धा है। फिर यहाँ पर अनुराग मनोज को समझाते हैं कि भाई कुछ बन जाओ, अगर तुम कुछ नहीं बनोगे तो ये लड़की तुम्हें भी छोड़कर चली जाएगी जैसे कि मुझको वो तान्या छोड़कर गई है। साल बाद श्रद्धा आके तुमसे पूछेगी कि मनोज हु आर यू, तो तुम बताओगे आई एम आटा चक्की मैन और मजोरा से लेकर ग्वालियर तक रिक्शा चला रहा हूँ। अब यहाँ पर श्रद्धा भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो चुकी होती है और वो वहां से उठकर चली जाती है। फिर मनोज भी उसके पीछे पीछे जाता है। फिर श्रद्धा मनोज से कहती है कि मनोज तुमने मेरे को एक बार बोला था तुम मुझे आई लव यू बोल दोगी तो मैं दुनिया पलट दूंगा। तो यहाँ पर श्रद्धा भी मनोज को आई लव यू बोल देती है और कहती है कि जाओ तुम दुनिया पलट दो। अब यहाँ पर मनोज कुमार शर्मा भागे भागे जाते हैं दीप मोहन सर के पास जो कि आईएएस होते हैं। और मनोज कुमार शर्मा जब उनसे मिलते हैं तो उनको बताते हैं कि सर आपने ही मुझसे कहा था यू ओ मी, तो वो कहते हैं मेरा आखिरी अटेम्प्ट है, मेरे को कुछ टिप्स दीजिए। तो वो कहते हैं कि तुम अपने ऊपर एक ऐसे लिख के दिखाओ जो कि 200 वर्ड्स का होना चाहिए 8 मिनट्स में। तो वो 8 मिनट में अपने 19 वर्ड्स ही लिख पाते हैं और दीप मोहन सर उससे कहते हैं कि तुमसे नहीं हो सकता तुम रहने दो। अब मनोज कुमार शर्मा जाते हैं सीधा गौरी भैया के पास रीस्टार्ट पॉइंट में और वो वहां पर जाके काम करते हैं और
यहाँ पर गौरी भैया बेहद ही बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि अगर तुम ये काम पर लगे रहोगे तो तुम्हारा हो गया। तो यहाँ पर गौरी भैया मनोज की बहुत हेल्प करते हैं और कहते हैं कि अब से तुम मेरे कमरे में ही रहोगे और तुम वहीं पर ही पढ़ोगे और खाओगे और पियोगे बस। फिर मनोज यहाँ पर गौरी भैया से कहते हैं कि भैया मैं आपके घर में नहीं रह सकता। तो यहाँ पर गौरी भैया कहते हैं तुम्हारी पहली तनख्वाह से हम ज्यादा काट लेंगे। अब अगले दिन श्रद्धा मनोज के पास आती है और उसे एक टाइम ब्लॉक देती है, कहती है कि जब तुम इसे स्टार्ट करना तब पढ़ने बैठना और जब इसे बंद करना तब तुम हट जाना। अब श्रद्धा भी अपने मेंस के लिए मसूरी चली जाती है और फिर वहां पर मनोज खूब सारी मेहनत करता है और वो भी अपना प्रीलिम्स निकाल लेता है और उसका भी मेंस होता है और वो मेंस भी क्लियर कर लेता है। अब यहाँ पर मनोज का मेंस क्लियर हो चुका होता है और वो भागे भागे जाता है अनुराग के पास, पर अनुराग का इस बार भी नहीं हुआ होता तो वो बहुत ज्यादा ही निराश होता है और वहां पर मनोज सीधा अनुराग के पास जाकर ये बोलता है कि मुझे फोन देना, मैं श्रद्धा को फोन करना चाहता हूँ। पर अनुराग ये बोलता है कि एक बार मुझसे भी पूछ लेता, मेरा नहीं हुआ। फिर यहाँ पर अनुराग मनोज को मना कर देता है कि मैंने तेरे लिए आशिकी के लिए फोन नहीं लिया। अब यहाँ पर मनोज बहुत ही ज्यादा खुश होता है। पहले वो अपने घर में फोन करता है और बताता है कि मेरा मेंस क्लियर हो गया है और उसके घर वाले भी बेहद ही बहुत ज्यादा खुश होते हैं। फिर वो श्रद्धा को फोन करता है अपने गौरी भैया के फोन से, तो श्रद्धा की मम्मी उठा लेती है और कहती है कि श्रद्धा घर पर नहीं है, जब वो आएगी जब हम बात करवा देंगे। फिर मनोज उसका रात भर फोन का इंतजार करता है और जब श्रद्धा का फोन आता है उसे कहता है कि मेरा मेंस क्लियर हो गया है। श्रद्धा इसको सुनकर बहुत ज्यादा ही खुश होती है। तो यहाँ पर मनोज कहता है तुम मेरे इंटरव्यू के लिए आ रही हो ना, पर वहां पर श्रद्धा उसको मना कर देती है, कहती है कि मेरे पापा को किसी ने अफवाह फैला दी है कि वन नाइट स्लीपिंग विद यू। अब यहाँ पर मनोज समझ चुका होता है कि श्रद्धा के घर में फोन किसने करा होगा। श्रद्धा के घर में फोन अनुराग ने करा होगा। फिर वो अनुराग को फोन करता है, पर अनुराग तो जेल में बंद होता है, तो उसका फोन एक पुलिस कर्मचारी उठाता है, कहता है कि तुम जल्दी आ जाओ मुखर्जी नगर थाने में, तुम्हारा दोस्त यहीं पर ही है, आके उसको छुड़ा लो। मनोज पुलिस स्टेशन पहुंच चुका होता है और वो वहां पर जाके कहता है कि मेरे दोस्त को छोड़ दो, पर वो कर्मचारी कहता है इसके लिए पैसे लगेंगे। फिर मनोज कहता है अगर मेरा यूपीएससी क्लियर हो गया जो सस्पेंशन लेटर होगा वो पहला तेरा ही होगा। एक विटनेस होता है, वो कहता है कि इन्हें छोड़ दो और जो तुमने घूस ली है वो भी वापस कर दो। फिर अनुराग जेल से निकलने के बाद मनोज को कहता है कि वाह भाई तुमने तो कमाल कर दिया, पहली बार किसी पुलिस वाले को देख रहा हूं कि वो पैसे वापस दे रहा है। अब यहां पर मनोज अनुराग से कहता है कि एक मिनट अपना फोन देना, तो मनोज को यहां पर सब पता होता है कि उसी ने श्रद्धा को फोन करा है। तो यहां पर वो मनोज अनुराग से कहता है कि अब तुम मुझे अपनी शक्ल कभी मत दिखाना। अब यहाँ पर मनोज का इंटरव्यू का दिन आ जाता है और श्रद्धा वहां पर मनोज के पास पहुंच जाती है और मनोज श्रद्धा को देखकर बहुत ज्यादा ही खुश हो जाता है और वो दोनों चले जाते हैं इंटरव्यू के लिए। अब श्रद्धा यहाँ पर मनोज को एक चिट्ठी देती है और कहती है कि तुम इसे इंटरव्यू होने के बाद ही पढ़ना। अब यहाँ पर मनोज अपने इंटरव्यू देके आ चुका होता है, फिर वो श्रद्धा की चिट्ठी पढ़ता है और उसमें श्रद्धा ने लिखा होता है कि मनोज अगर तुम आटा चक्की में भी काम करोगे तो हम दोनों साथ में आटा चक्की में काम कर लेंगे, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मनोज यहाँ पर उसको पढ़कर बहुत ही खुश हो जाता है। अब यहाँ पर मनोज के यूपीएससी के रिजल्ट का दिन आ जाता है और मनोज यहाँ पर नहीं जा रहा होता और श्रद्धा कहती है कि तुमको चलना ही होगा, तो मनोज वहां पर चला जाता है और कहता है कि श्रद्धा तुम ही मेरा रिजल्ट चेक करके आ जाओ, पर मनोज का नाम वहां पर होता है और वहां पर सभी बहुत ज्यादा ही इमोशनल हो चुके होते हैं। गौरी भैया फिर अपनी ड्रेस लेकर आते हैं, कहते हैं कि मनोज अब तुमने यूपीएससी क्लियर कर लिया है। फिर मनोज अपना कैमरा लेके आते हैं, कहते हैं कि मेरे दोस्त 12th फेल, उसने अपना यूपीएससी क्लियर करा है। फिर वहां पर वही आ जाती है आर टू जेड वाली ट्यूशन वाली क्लासेस 1.5 लाख रुपए देने के लिए, पर मनोज फिर उससे कहता है कि मैं वही हूँ जो 3 साल पहले तुम्हारे ट्यूशन में आया था। फिर वो उसे याद दिलाता है कि तुमने यही कहा था कि जो तुम ये बड़े बड़े एक्ट्रेस को तम्बाकू खाते हुए देखते हो कि अब वो रियली तम्बाकू खाते हैं। फिर वो उससे पैसे लेकर वापस चली जाती है। अब यहाँ पर मनोज अपने घर में फोन करते हैं और बताते हैं कि मैं आईपीएस ऑफिसर बन चुका हूँ। फिर यहाँ पर मनोज की मम्मी यहाँ पर बहुत ज्यादा ही खुश होती है और मनोज के पापा मनोज से बात करते हैं, कहते हैं कि तुम आईपीएस बन गए। फिर मनोज के पापा सीधा चले जाते हैं उस घूसखोर चौहान के पास, बताते हैं कि तुमने आईपीएस के बाप से पंगा लिया है। यहाँ पर मनोज इस सुनकर बहुत खुश हो जाता है। जब वो यूपीएससी के उससे बाहर निकल रहे होते हैं तो वहां पर गार्ड पूछता है कि तेरे रिजल्ट का क्या रहा, तो यहाँ पर श्रद्धा बोलती है कि आईपीएस, फिर वो उसको सल्यूट करता है। अब यहाँ पर मनोज और श्रद्धा की शादी हो रही होती है। तो इस मूवी का रिव्यू यहीं पर ही खत्म होता है। अब बात करी जाए कि इस मूवी को कितनी रेटिंग मिली है, तो इस मूवी को रोटेन टोमेटो पर 8.8 की रेटिंग मिल चुकी है और ये मूवी सच में बहुत ज्यादा ही इंस्पायर्ड है। मैं अपने पर्सनल ओपिनियन से बताऊं तो मैंने भी अभी इसी मूवी को देखा है और सच में ये मूवी बहुत ज्यादा ही हार्ट टचिंग है। अगर आप लोग इस वीडियो के इतने खूबसूरत टाइम पर आ चुके हैं तो इस वीडियो को करें लाइक, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।